सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल ईगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो गाइज, इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हम बात करेंगे FR की प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में। और ये जो मेरे पास आपके सामने RTI कॉपी दिख रही है, ये है शार्वी गोडवानी की, एंड उनका लिंक्डइन ID डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन आस्क हर इफ यू गेट एनी डाउट्स। सो गाइज, हमें क्या डिस्कस करना है, हमें देखना है प्रेजेंटेशन कैसे है FR में, कैसे मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज शी गॉट 72 मार्क्स एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। तो अगर कैसे, कहाँ इनको कहाँ मार्क्स मिले और कहाँ कटे हैं, ये हम देखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन देखते हुए, अब लास्ट दिन है आपके और इनमें आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी ही है। FR का एग्ज़ाम कुछ दिनों में है ही, 4-5 दिन बचे हैं। अब ये 5 दिन आपको अपना बेस्ट देना है। एंड गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं डिस्कशन में वेस्ट करते हो। तो मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें 72 मार्क्स जो इनको मिले हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में इनको मिले हैं अराउंड 14.5 मार्क्स डिवाइड आफ्टर 20। अब ये 14.5 में से 11 मिले हैं इनको फर्स्ट क्वेश्चन में कंसोलिडेशन वाले में, एंड देन 3.5 मिले हैं सेकेंड क्वेश्चन में। अब इसमें भी इन्होंने कहीं कुछ मिस्टेक की होगी तभी कटा है, वो हम ऊपर देखेंगे। एक बार ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में इनको 16.5 आउट ऑफ 20 मिले हैं, यानी कि सिर्फ इनका 3.5 मार्क्स जो है कट हुआ है। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है वो भी ऊपर देखेंगे। जैसे 5 out of 6 मिला है, 8.5 आउट ऑफ 10 मिला है, मतलब एक एक या डेढ़ डेढ़ मार्क कट रहा है इनका, कहीं छोटी मोटी गलती से, वो हम देख लेंगे कहाँ मार्क कट रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इन्होंने किया नहीं, फोर्थ क्वेश्चन में इनको दोबारा से 17/20 मिले, फिर से 3 मार्क कट गए, और एक क्वेश्चन में कंप्लीट है 8/8, और एक क्वेश्चन में इनको 9/12 मिला है। देन देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन में इनको थोड़े से कम मार्क्स मिले, यहाँ पे 6.5 मार्क्स कटे हैं इनके, 14.5 मिले आउट ऑफ 20। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी कम मार्क मिले हैं, देन सेकंड क्वेश्चन में और बाकी के पार्ट में एक एक या आधा आधा मार्क कटा है। तो देखते हैं इनका रीज़न क्या है, और इनको मार्कशीट को देखते हैं ऊपर चल के हम डिटेल में। तो उम्मीद आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। ठीक है, ये सब चीज़ आप जब अब ये वीडियोस कब देखने का टाइम पता है, जब आप रात में सोने वाले हो और कुछ करने को है नहीं, तो ऐसी वीडियोस देख लो तो आपको पता, कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई ऐसे ही प्रेजेंट करके आना है आंसर। ठीक है, तो ये बेस्ट टाइम होता है वीडियोस देखने का, इन नाइट बिफोर स्लीपिंग। तो देखो, सिक्स्थ ए में इनको मिला था 2.5 2/5, अब यहाँ पे इनको 2 मिले हैं पूरे क्वेश्चन में। अब ये देखो, ऑब्लिगेशन वगैरह इनका स्टेप ये है, ये करेक्ट बोला है, फर्स्ट स्टेप ठीक था, देन 1 मार्क मिला है, देन सेकंड स्टेप में 1 मार्क इनको प्रोविजन का मिला है, और 1 मार्क इनको आउट ऑफ कंक्लूजन का मिला है। तो बाकी इन्होंने शायद कंटेंट कम लिखा है, अभी थ्योरी कंटेंट की ज़्यादा नीड थी, दैट्स व्हाई इनको कम मार्क मिले हैं इसमें क्वेश्चन में 2/5। देन नेक्स्ट में 4.5 मिला है। अब यहाँ पे क्या कमी रह गई देखते हैं। इंडियंस 109 का क्वेश्चन था, एंटिटी सेल डिटरमाइन ये सब पूछा गया है, और इन्होंने क्रेडिट लॉस का निकाल दिया है। यहाँ पे आई थिंक थ्योरी की कमी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थ्योरी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे 1.5 मिला इनको फर्स्ट स्टेप में, और बाकी आई थिंक पूरे मिले हैं नीचे मल्टीप्लाई करके। हाँ देखो, तो वहाँ पे 1.5 मार्क थ्योरी का कट किया है आई थिंक, तो यहाँ पे 4.5 मिले हैं। ठीक, दिस इज ऑल्सो गुड स्कोर। ओके, आधा पॉइंट 1 मार्क का डिजाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो फिर भी 70+ आए ना इनके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ सी में देखेंगे 4/5 मिला है, कहाँ गड़बड़ की है, ये एक परसेंटेज निकालने में गड़बड़ी इन्होंने जो की है वो की है, कि इनको समथिंग ये जो क्रॉस लगा हुआ है, एक परसेंटेज गलत निकाली है इन्होंने, तो इसलिए इनके मार्क कटे हैं यहाँ पे, और इनको 4/5 मिला है। बाकी इनका आंसर ठीक था रिपोर्टिंग में, तो इन्होंने 1 मार्क पूरा दिया कंक्लूजन में। एंड देन 6D में देखोगे, यहाँ पे भी 4 मिला, यहाँ पे भी 1 मार्क इनका कटा है, और क्यों कटा है वो देखते हैं। यहाँ पे इनको निकालना था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेशन, यहाँ पे इक्विटी मेथड से निकाला है। यहाँ पे कोई एक चीज़ एग्जैक्टली नहीं पता, बट कोई एक कमी रही है, जो या तो कुछ पार्ट मिसिंग है समथिंग, या तो थ्योरी पार्ट कम लिखा है, माइंड भी इसलिए 1 मार्क कम मिला है, 4 मार्क मिले इनको 5 में से। ठीक है, तो देखना पड़ता है हमको मिक्स ऑफ मैच, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, आपको क्या बोलते हैं, आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी रिलेवेंट इंडेक्स की जो आएगी, मतलब जितना याद है उतना लिख दो, इंडेक्स का नाम जरूर कोट करें, उसके बाद जितना आपको कंटेंट याद आता है उतना लिख दो, अदरवाइज प्रैक्टिकल तो अच्छे से कर लो क्वेश्चन में जो है। ओके, देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट। अब यहाँ पे वर्किंग नोट निकालना है हमको वाई लिमिटेड में। देखो, इन्होंने देखो अच्छे से ये पूरा मैप वगैरह बना के, ऐसे 2 एरोज बना के वर्किंग की हुई है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, और उसको करेक्ट किया गया और सही निकाला गया इनका जो भी NCI चेन होल्डिंग का
ये चेन होल्डिंग में जो भी एन सी आई है ये देखो दोनों टिक किए हुए हैं, मतलब सही ट्रीटमेंट है ये, इस तरह से कर सकते हो पेपर में। उसके बाद इनको थ्री स्टेप थ्री में 3 मार्क्स मिले हैं पूरे अप टू स्टेप थ्री। देन ये जो रिजर्व की कैलकुलेशन है रिटेन अर्निंग की भी इन्होंने सही से कैलकुलेशन की हुई है और उसको भी करेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे आप टाइम लाइन बना के बना सकते हो ठीक है। उसके मार्क मिले हुए देखो, मार्क यहाँ पे 3.5 मिला इनको, 3.5 देन 1.5 यहाँ पे मिला आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की, और यहाँ पे 1 मार्क मिला है इस चीज़ का, ये उसी का है स्टेप्स का। देन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में देखो, अब देखो हर बैलेंस शीट के ना हर एरिया का मार्क होता है, हर एक आइटम का मार्क होता है। देखो इन्होंने एन सी ए में पीपी सही निकाला है, उसकी वैल्यू इनको मार्क मिल गए। देन इन्होंने पीपी के बाद करंट एसेट सही निकाला है, उसके मार्क मिले हैं। देन इनके देखो इन्वेंट्री सही निकाला है, उसके मार्क मिले होंगे। यहाँ पे कट लगा है ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, इसमें कोई रह गई होगी तो ये गलत हो गया, तो इसको काट के इसके मार्क्स काट लिए इन्होंने, बाकी मार्क दिए हैं देखो 2.5। तो जो आप जितना आप सही लिखोगे उसके मार्क आपको मिलेंगे ओके। जितना आप पार्ट सही लिख रहे हो, बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन आता है, तो जितने पोर्शन जितने आपको उसमें से आइटम का अच्छे से आता है, जिनमें कोई भी यू नो वो ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हो, उनको तो एटलीस्ट टोटल करके लिख दो तो उसका मार्क मिल जाता है प्रोपोर्शनेटली ठीक है। उसके बाद इनका ये यहाँ पे ट्रेड पेबल्स गलत हो गया, इन्होंने वो शायद कंट्रा एंट्री वगैरह कुछ नहीं किया है। तो ये हमारा हो गया टोटल में, आगे इनको 11.5 मार्क मिले हैं इस क्वेश्चन में आउट ऑफ 15, 11 मार्क मिले आउट ऑफ 15। तो ऑलमोस्ट सब सही था, इनका दो बैलेंस शीट आइटम रॉन्ग है, उनके मार्क कटे आई थिंक, और एक दो शायद वर्किंग नोट कम बनाए होंगे। तो इतने मार्क मतलब 10 11 मार्क ऐसे भी आप कर दोगे, इतना कर दोगे तो 10 11 मार्क आ जाएंगे 15 में से, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब चलते हैं आगे, देन इनको 3.5 मिला है आगे हमारा ये 1B में, और 1B में 3 और 11 क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, जो ये रेड साइन दिखाया हुआ है टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ये इनकी टोटल वैल्यू गलत आई है यहाँ पे, और देन फेयर वैल्यू एज पर 113 भी यहाँ पे गलत आई कैलकुलेशन पार्ट में, तो इसलिए इनके मार्क कटे 1.5। बाकी रेस्ट ऑफ द केस का इनको 3.5 मिल गया है। अभी 9 वाले 12 में इन्होंने शायद जनरल एंट्री और थ्योरी वगैरह कम लिखी है, इसलिए 9/12 मिला है। ये क्वेश्चन है आई थिंक ये है फाइनेंशियल गारंटी वाला। हम तो इन्होंने फर्स्ट में क्या निकाला है, इंटरेस्ट निकाल दिया, इंटरेस्ट से डिफरेंशियल निकाल दिया, डिफरेंस आया जो इंडिया से गारंटी शुड बी रिकॉर्डेड एट ए फेयर वैल्यू, देन इन्वेस्टमेंट एंट्री इन्होंने पास की है हर ईयर एंड पे ठीक है, ईयर एंड की पास की है एंट्री, स्टेप टू में 1.5 मिला है, देन स्टेप थ्री में मार्क मिले, स्टेप फोर स्टेप फाइव ठीक है। तो इनको पूरे फोर्थ एक क्वेश्चन में पूरे 9 मार्क मिले आउट ऑफ 12, तो 3 मार्क कहाँ कटे आए थे, तो थ्योरी लिखने में कहीं कमी रही है या फिर कुछ 15/9 एक जनरल एंट्री आई थिंक कम पास की है समथिंग, मतलब आप बुक का ट्रीटमेंट जो है आप अकॉर्डिंगली करोगे आईसीए के सॉल्यूशन से तो आपको मार्क मिल जाएंगे कंप्लीट। इन्होंने कोई छोटी मोटी मिस्टेक की होगी इसलिए इसको 9.12 मिले 9/12, अदरवाइज फुल मिल जाते। तो मेनली आपको ऐसे करना है, देखो मार्क इजीली मिल जाते हैं अगर आप लिख के आओगे तो उस चीज़ के मार्क मिलेंगे ठीक है। तो आपको लिख के आना, ये देखो 8/8 मिला, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 116 का क्वेश्चन था जो वो आया था, इसमें मॉडिफिकेशन का पार्ट है आगे अमर वो निकाला था बाद में ठीक है। तो मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन है और कंप्लीट मार्क मिले इसमें, देखो इन्होंने जो कैलकुलेशन की है पूरी प्रॉपरली हर एक आइटम की, पहले वैल्यू निकाली देन वर्किंग नोट, प्रॉपर वर्किंग नोट बना के आप काम करके आओ। वर्किंग नोट एक एक चीज़ का दो, जो भी आइटम वहाँ पे लिख रहे हो अगर उसको आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो उसका वर्किंग नोट दो और उस चीज़ का आपको मार्क मिलता है। तो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू टेल यू दैट आपको FR में ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है, और एक दो मार्क कटेगा तो कटेगा वरना आपको कंप्लीट मार्क मिलेंगे, तो 70+ आराम से आपको आ जाएंगे अगर आप ऐसे करोगे तो। आपको ऐसे करना है आपके क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन बोल रहा हूँ FR प्रेजेंटेशन में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, इसके बाद ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो बेसिकली मेरा मोटिव था इस वीडियो इस चीज़ को दिखाने का कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन का देख लिया तो आपको ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है, आपको कहीं भी मार्क नहीं कटे, आपको जैसा बुक का सोल्यूशन है वैसा करो, एंड कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्टार्ट करो बड़े बड़े इंडियाज एंड देन खत्म करो छोटे छोटे इंडियाज पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड आपको अच्छे से मार्क मिलेंगे, एंड आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम कीजिए और अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम्स।